नमस्कार बच्चों। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा या सुना, हमने पढ़ा था कबीरदास। कबीरदास जी के दोहे और साखी शब्द, तो शब्द पढ़ा। तो अब मैं आपको उन्हीं शब्द उसी शब्द और दोहों के आधार पर कुछ प्रश्न है पाठ्यपुस्तक के, वो समझाने का प्रयास करूँगी। कृपया ध्यान से सुने बच्चों। कबीरदास जी समाज सुधारक थे, तो समाज सुधार की वो बात किया करते थे। निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, इसलिए ईश्वर को हृदय में मानते थे। तो उसी तरीके से हैं ये सारे प्रश्न। नंबर एक है प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो बच्चों, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर, जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगता है। वह मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता, अन्यत्र या कहीं और नहीं जाना चाहता है। प्रश्न नंबर दो है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? बच्चों, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अर्थात प्रेम ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं रहती। वह लोभ मोह माया से ऊपर उठ चुका है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं हो सकते। तो बच्चों, अब है तीसरा दोहा। कबीरदास जी ने कहा है कि तीसरे दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया गया है? बच्चों, तीसरा ज्ञान है हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। तो कबीरदास जी इस कहते हैं कि मनुष्य जो कोई कार्य करते हैं तो हमारे मार्ग में बाधाएं तो आती हैं, रुकावट बनती है, किंतु हमें उनको आराम से पार कर देना चाहिए, किंतु सहज रूप से जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी ने उस ज्ञान को महत्व दिया है जिसमें साधक दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करता, उस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है और सफलता प्राप्त करता है। संसार बेशक निरुद्देश्य कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, किंतु मनुष्य उसकी परवाह नहीं करता। अर्थात कहेंगे, मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहजता से करनी चाहिए। ऐसा करते हुए यदि कुत्ते रूपी संसार निंदा भी करता है तो भी साधक को क्या चाहिए कि साधक को चाहिए कि वह निंदा की परवाह ना करे और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ता जाए। कबीरदास जी ने इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। देखो बच्चों, इसमें हस्ती यानी हाथी, इस तरीके के कई शब्द आए हैं। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, हस्ती स्वान ज्ञान आदि का प्रयोग हुआ है। अब इसमें चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन है? लोग सच्चा संत कबीरदास जी के अनुसार सच्चा संत कौन है, अर्थात संत सुजान कौन है? कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में मोह माया लोभ अपने पराए की भावना नहीं होती, सांसारिक मोह माया से जो दूर रहकर ईश्वर की सच्ची भक्ति भावना करता है, सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा आदि को समान रूप से अपनाता है, दिखावे की भक्ति नहीं करता, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा प्रभु का दास है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी के अंतिम जो दो दोहे थे उनके माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर बताया है, यानी किस प्रकार की संकीर्णता की ओर संकेत करता है। कबीरदास जी का अंतिम छठा दोहा है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। तो ये इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी मुसलमान काबा को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं, हिंदू काशी को पावन स्थल मानते हैं और वहीं अपने आराध्य का वास मानते हैं। राम रहीम में अंतर करते हैं, जबकि मनुष्य ने ये बंटवारा किया है। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है ईश्वर के बारे में अथवा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो हिंदू मुस्लिम धर्म अथवा किसी अन्य धर्म में भेद नहीं जानता, वो सभी को समान समझता है।
प्रश्न है। अच्छा, इसी का जो अंतिम दोहा है वो है, इसमें इन्होंने बताया, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंची ना होए, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा होए। तो इसका अभी पर बताया था मैंने कि मनुष्य क्या जन्म लेने से अथवा कुल से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता, उसे अच्छे कर्म ही महान बनाते हैं। व्यक्ति की धारणा है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से वो महान बन जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर ऊंचे कुल का सोना है उसके अंदर शराब डाल दी जाए, अर्थात दुर्व्यसनों में रत जो व्यक्ति होता है वो धिक्कार के पात्र, धिक्कार का पात्र होता है, उसकी कोई पूजा नहीं वरन उसको धिक्कारते ही हैं। उसी भांति सोना अगर शराब उसमें भरी जाए सोने के बर्तन में, तो वो बर्तन पवित्र ना मान करके अशुद्ध ही माना जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म से नहीं वरन कर्म से बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है था कर्मों से, तर्क से ही उत्तर दीजिए। जैसे मैंने अभी अभी बताया, कुछ लोगों का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वह महान नहीं बन जाता। पहचानने के लिए व्यक्ति जो अच्छे कर्म करने होते हैं, व्यक्ति की पहचान उसे अच्छे कर्मों से होती है। बल्कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म नहीं करता तो वह सम्माननीय नहीं हो सकता। इसके विपरीत छोटे या छोटे से कुल में रहकर जन्म लेता है, यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो सम्माननीय होता है। बच्चों, मिट्टी का पात्र है, उसमें अगर हम जल रखते हैं तो ठंड बारिश उसमें गर्मियों में वो मिट्टी का पात्र भी श्रद्धेय हो जाता है, क्योंकि हम उस पानी उसका पानी ठंडा हो जाता है, उसको हम पीते हैं। बल्कि सोने के बर्तन में अगर शराब डाल दी जाए तो वो पात्र पूज्य नहीं होता, धिक्कार का पात्र हो जाता है, उसको सब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य हमसे पूछा गया, तो काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ज्ञान का महत्व इस कविता में, इस इन पंक्तियों में प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज रूप से करनी चाहिए, सहज दलीचा डालना चाहिए उसके ऊपर, उस पर गलीचा डाल करके बैठे। ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना भी करता है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हेतु, ज्ञानार्जन हेतु रत रहना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और एतुकांत है, तुकांत युक्त रचना में स्वर मैत्री है, और यहाँ पर आलंकारिक सौंदर्य है, दोहा छंद विधान है। दोहा छंद एक बार मैंने क्लास में बताया भी था, यहाँ पर इसमें भक्ति रस की प्रधानता है, रस अभी पढ़ेंगे हम थोड़े दिन में। तो अब मैं पद के आधारित जो प्रश्न है वो भी आपको समझा देती हूँ। पद, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को हिंदू व्यक्ति है, मनुष्य जो ईश्वर को मंदिर मस्जिद मंदिर तथा पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत आदि पर ढूंढता है। मुसलमान अपने प्रभु को काबा तथा मस्जिद में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग बैराग अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्यों अर्थात क्रियाकलापों में ढूंढता है, किंतु वास्तव में ईश्वर वहाँ नहीं होता। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके नमाज पढ़कर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, किंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। मनुष्य विभिन्न देवालयों धार्मिक स्थलों की यात्रा करता है, पर इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य योग वैराग जैसी क्रियाएं करता रहता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, किंतु ये सब कबीर के अनुसार व्यर्थ है। मनुष्य दिखावटी आडंबर पूर्वक भक्ति करता है, परंतु ये भी दिखावा है, आडंबर है। सुबह सुबह उठ गए, 4 बजे भगवान को जगा रहे हैं, रात को कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, दूध नाली में जा रहा है, और गरीब लोग भूखों मर रहे हैं। तो ये भक्ति भावना कबीर की नज़र में अच्छी नहीं है। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म को मानते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वो कहते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू चहाड़ पहाड़, बातें तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात कबीरदास जी मूर्ति पूजा का पूरी तरह से खंडन करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, वो धार्मिक जो क्रियाकलाप है उनको भी मना करते थे। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा? देखियो बच्चों, कबीरदास जी के अनुसार सभी प्राणियों की रचना है वो ईश्वर द्वारा की गई है,
उसी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर रहता है। जीव के अर्थात जीव के अस्तित्व का कारण भी यही है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को कहा है कि सब सांसों की सांस में। अब है प्रश्न नंबर 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की, ये वाला तो आएगा ही नहीं आपके, बस इतने ही हैं प्रश्न, तो शायद इसमें प्रश्न और हैं क्या, देखती हूँ, नहीं इतने ही आएंगे।